हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। और जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे, सो उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज एक नया टॉपिक दैट इज SRI, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हमारे चैनल पे और हर ऑल्टरनेट डे पे हम एक नए टॉपिक पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाके चेक करें, सो दैट आपके मोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हो। सो आज हमने टॉपिक लिया है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। नाउ आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा होगा कि राइस इंटेंसिफिकेशन, सी इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स क्या होता है, जब हम कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करते हैं ताकि हमें लेसर यूनिट पर यूनिट ऑफ इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिले, ठीक है। तो इसमें भी सिस्टम ऑफ प्राइस इंटेंसिफिकेशन में भी बेसिकली हम क्या करते हैं कि लेसर इनपुट से ज़्यादा एफिशिएंटली हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। सो इट्स अ मेथड इन्वॉल्विंग एफिशिएंट यूज ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड, ओके। दिस मेथड वॉज बेसिकली डेवलप्ड इन मेडागास्कर बाय हेनरी डी डॉलेन ने इसको सबसे पहले डेवलप किया था, और 1980s के टाइम पे, और मेडागास्कर से ही के फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये स्प्रेड हुआ। इंडिया में भी इट वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड इन आंध्र प्रदेश, एंड फिर उसके बाद ये और जगह भी अडॉप्ट किया गया ये मेथड। सो लेट्स सी कि इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है इस सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में। तो उसमें फर्स्ट क्या है, 8 to 10 डेज ओल्ड सीडलिंग। सो सीडलिंग जो है बेसिकली जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें 21 to 25 डेज ओल्ड जो सीडलिंग होती है उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में। वेयर एज SRI सिस्टम में हम बहुत यंग सीडलिंग को, दैट इज ओनली 8 to 10 डेज ओल्ड जो सीडलिंग होती है उसी को हम ट्रांसप्लांट करके अपने फील्ड में लगा देते हैं, ठीक है। देन देयर इज वन सीडलिंग पर हिल, एक हिल पे सिर्फ एक ही सीडलिंग हम इसमें ग्रो करते हैं। वेयर एज जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें हम वी गो फॉर 2 सीडलिंग्स पर हिल। और अगर आपने पहले वाली मेरी वीडियो देखी होगी टेपॉग मेथड में, तो उसमें हमने बताया है कि अराउंड 3 to 4 सीडलिंग्स पर हिल हम उसमें लगाते हैं। वेयर एज SRI में देयर इज ओनली 1 सीडलिंग पर हिल इज प्लांटेड, ओके। देन देयर इज वाइड स्पेसिंग, स्पेसिंग इसमें जो रखते हैं वी गो फॉर 25 into 25 सेंटीमीटर स्क्वायर की स्पेसिंग इसमें रखते हैं फ्रॉम प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो। वेयर एज ट्रेडिशनल मेथड में हमारी जनरली 10 to 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की स्पेसिंग होती है। देन देयर इज नो फ्लड इरीगेशन। जनरली हम क्या करते हैं, फ्लड इरीगेशन देते हैं। अगर आपने देखा होगा राइस फील्ड में देयर इज स्टैंडिंग वाटर थ्रू आउट इट्स ड्यूरेशन, क्रॉप ड्यूरेशन जितना भी होता है उसमें स्टैंडिंग वाटर रखते हैं। वेयर इज SRI मेथड में हम नहीं करते, हम इसमें सिर्फ जो फील्ड होता है उसको मॉइस्चर्ड रखते हैं, ठीक है। इसमें हम फ्लड इरीगेशन नहीं करते, अप टू वेजिटेटिव स्टेज जब तक आ जाती नहीं है सीडलिंग की, तब तक हम उसको सिर्फ जो सॉइल होती है उसको मॉइस्ट कंडीशंस में रखते हैं। एंड आफ्टर द वेजिटेटिव फेज इज ओवर, आफ्टर द रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट्स, उस टाइम पे हम 1 to 2 इंच ऑफ वाटर, स्टैंडिंग वाटर फील्ड में रखते हैं, ओके। Then there is use of organic manure. So it is also one of the components of SRI method कि उसमें हम organic manure का application करते हैं through FYM and compost जैसी जो भी organic manure होता है उसको हम incorporate करते हैं soil में, ठीक है। It's not just the inorganic source of nutrients बल्कि हम organic source of nutrients भी use करते हैं। Then there is an increase of 30 to 50%। ये सारे जो मेथड्स हैं इनको अडॉप्ट करने के बाद देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 30 to 50% यील्ड में इंक्रीज होता है, ओके। नाउ वी विल सी कि व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन दिस यील्ड, इसके रीजंस क्या है फॉर द हायर यील्ड, ओके। सो फर्स्ट इज द फाइलोक्रॉन इफेक्ट। फाइलोक्रॉन इफेक्ट क्या होता है, फाइलोक्रॉन बेसिकली मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स। अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ लीव्स उसके साथ ही होता है डेवलपमेंट ऑफ
रूट्स एंड टिलर्स, ठीक है। सो फाइलोक्रॉन में क्या होता है, इट्स बेसिकली टाइम पीरियड कहते हैं फाइलोक्रॉन को, जिसमें कि उसके सब्सिक्वेंट जब सीडलिंग ग्रो करता है तो उसमें सब्सिक्वेंटली जो उसके लीव्स हैं एंड रूट्स हैं एंड टिलर्स डेवलप होते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 days आफ्टर सोइंग, 5 days आफ्टर सोइंग से ही स्टार्ट हो जाता है द डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स। तो इसमें फाइलोक्रॉन इफेक्ट बेसिकली क्या है कि जब हम यंगर सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करके रख देते हैं मेन फील्ड में, तो उसमें अभी फाइलोक्रॉन का जो डेवलपमेंट है वो कम ही हुआ है, ठीक है। अभी हो सकता है कि 1-2 स्टेज ही हुई है एंड हमने उसको SRI मेथड में 8-10 days में ही हमने उसको मेन फील्ड में लगा दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सब्सिक्वेंट फाइलोक्रॉन डेवलपमेंट है, द डेवलपमेंट ऑफ टिलर्स एंड लीव्स एंड रूट्स, वो मेन फील्ड में ही होगा। इससे क्या होगा कि जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांटिक शॉक कम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर हम ओल्डर सीडलिंग को लगाते हैं तो उसमें ट्रांसप्लांटिंग शॉक ज्यादा लगता है, ठीक है। सो यंगर द सीडलिंग लेसर इज द ट्रांसप्लांटिंग शॉक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसमें टिलर्स डेवलपमेंट ज्यादा होता है इन SRI मेथड में, जो हम सीडलिंग लगाते हैं मेन फील्ड में उनमें टिलर्स ज्यादा डेवलप होते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मेथड। द सेकेंड वन इज द सिंगल सीडलिंग पर हिल। सो ट्रेडिशनल मेथड में हम 2 सीडलिंग्स लगाते हैं, अगर 2 सीडलिंग एक हिल में लगाएंगे तो उससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा दो सीडलिंग्स में, अगर दोनों सर्वाइव करते हैं तो उनमें कंपटीशन फॉर रूट डेवलपमेंट एंड यू कैन से न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए ज़्यादा कंपटीशन होगा। वेयर इज जब हम सिंगल सीडलिंग लगाते हैं तो उसमें प्लांट टू प्लांट कॉम्पिटिशन कम होता है एंड दैट्स वाई देयर इज मोर वेल डेवलपमेंट ऑफ द सीडलिंग। Then the third is non-flood irrigation. So non-flood irrigation से क्या होता है कि जब irrigation, जब flooding नहीं रहेगी हमारे field में तो क्या होगा, root का development ज़्यादा होगा because roots develop करती हैं so as to gain the water. ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए बेसिकली रूट्स डेवलप करती है। अब फ्लडिंग में क्या होता है, रूट्स को इतना डेवलप करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज वाटर इज ऑलरेडी अवेलेबल। वेयर इज इसमें हम वाटर इतना अवेलेबल नहीं करते, इट्स जस्ट मॉइस्चर, तो रूट्स क्या होगी, ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। सो दैट्स वाई जब नॉन फ्लड इरीगेशन करते हैं तो रूट्स ज़्यादा डेवलप होती हैं, तो रूट्स ज़्यादा डेवलप होती हैं तो उससे प्लांट भी ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है, ओके। सो दीज आर दी रीजन्स फॉर दी हायर यील्ड ऑफ सीडलिंग और यू कैन से राइस और पैडी प्लांट इन SRI मेथड। देन There are also some constraints. अब क्यों ये method इतना अच्छा होने के बाद भी why are we not adopting it? So इसमें क्या क्या constraints हैं? It is labor intensive. मतलब कि you know जब 8-10 days की seedling ही है तो उसमें क्या होता है, वो सीडलिंग्स बहुत डेलिकेट होती हैं, उसको अप्रूव करने के लिए यू नीड स्किल्ड लेबर्स और ये स्किल्ड लेबर्स लाइक इट्स अ लेबर इंटेंसिव बिकॉज ऑफ दैट। तो जो लेबर्स हैं उनको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है फॉर डूइंग दिस अडॉप्टिंग दिस मेथड ऑफ SRI। दैट्स वाई इट इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट। सेकेंड इज हाई वीड डेंसिटी। सिंस स्पेसिंग जो है प्लांट टू प्लांट इन रो टू रो जो स्पेसिंग है 25x25 है, दैट इज वाइडर स्पेसिंग इज प्रेजेंट। ज़्यादा स्पेसिंग अगर होगी तो हमें तो वीड्स क्या है, उनको वीड्स को डेवलप करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो देयरफॉर वहाँ पर क्या होती है, वीड जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। एंड देन द थर्ड वन इज डिफिकल्ट टू अप्रूट द यंग सीडलिंग्स। सिंस दीज सीडलिंग्स आर वेरी यंग एंड वेरी डेलिकेट, सो इनका जो अप्रूट है, अप्रूट करते टाइम भी देयर इज मच ऑफ डैमेज, ठीक है। तो इसलिए इट इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट क्योंकि ये डेलिकेट होती है सीडलिंग्स वेन दे आर वेरी यंग। सो दीज आर द कंस्ट्रेंट्स। This was it about SRI method. Now these are some of the questions that you have to answer in the chat box. So first question is, in submerged conditions, most of the nitrogen applied in paddy field is lost by.
हमें पता है कि जब हम नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं पैडी फील्ड में, तो उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, एंड उसी की वजह से वी गो फॉर स्प्लिट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजन. हम स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं नाइट्रोजन का, क्योंकि उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ द जो लॉसेस होते हैं अंडर सबमर्ज कंडीशंस, वो कौन से में, कौन सी प्रोसेस की वजह से होते हैं? इज इट डीनाइट्रिफिकेशन, लीचिंग, वोलेटाइजेशन और रन ऑफ और ऑल ऑफ द अबव? सो यू हैव टू आंसर दिस इन द चैट बॉक्स. क्वेश्चन नंबर टू इज, खैरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ. तो खैरा डिजीज जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू कैन से डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ प्लांट. दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर डॉक्टर नेने. ओके, सो ये कौन से एलिमेंट की डेफिशिएंसी से होता है ये आपको बताना है. देन क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ बोरो राइस? सो बोरो राइस भी आपको पता है कि अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप ऑफ राइस ग्रो किए जाते हैं. बोरो राइस इज वन ऑफ देम. तो आपको बताना है कि उसका सोइंग टाइम क्या है. देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर इज यूज इन राइस कल्टिवेशन? इसमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर इज यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस? And the question number fifth is, gene responsible for dwarfness in rice. This also you have to answer in the chat box. So that is it for today. अगर आपको और भी कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो यू कैन राइट दैट इन द चैट बॉक्स. इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.